आज हम पढ़ रहे हैं वृत्ति गति के बारे में। पिछली कक्षा में हमने देखा कि त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल क्या होता है। क्या होता है, जब भी कोई एक पिंड वृत्ति गति करता है, वृत्ति गति करता है तो उसकी चाल तो एक समान रहती है, लेकिन दिशा क्या होती है, बार बार बदलती है, और दिशा के बार बार बदलने से उसका वेग क्या हो जाता है, बदलता है। इस वजह से वृत्ति गति एक समान होते हुए भी उसका वेग एक समान नहीं हो पाता, और वेग एक समान नहीं होता, बदलता है। इस कारण से उस पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा अभिलंबवत केंद्र की ओर होती है, उसको हम अभिलंब त्वरण कहते हैं। और हमने क्या देखा कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। कोई भी कण तभी वृत्ति गति कर सकता है जब एक अभिकेंद्र बल हो। अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई भी कण वृत्ति गति नहीं कर सकता है। ये सब चीजें हमने पिछली कक्षा में देखी। आज हम देखेंगे कि यदि वृत्ति समतल सड़क पर कार गति कर रही है तो उसके लिए वेग कितना होना चाहिए। मान लेते हैं एक वृत्ति वृत्ताकार सड़क है, इस सड़क पर कोई कार गति कर रही है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R और कार का वेग है V। ठीक, ये मान लीजिए कार है, तो कार का द्रव्यमान यदि m हो तो उसका भार किस ओर कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब चूंकि भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा तो हमको मालूम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम से कि हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो जब उसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा यानी कि कार जो है सड़क जमीन को दबाएगी तो जमीन भी उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसको हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। और ये कैसे कार्य करेगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक, तो ये हमारी एक कार है जो वृत्ताकार सड़क में गति कर रही है जिसका वेग v है, कार का द्रव्यमान m है और वो R त्रिज्या के वृत्ति पथ पर गति कर रही है। तो क्या होगा, उसका भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, तो mg किसके बराबर हो जाएगा, R के, है ना। दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर, पहली चीज। दूसरा, जब कार वृत्ति गति करती है तो वृत्ति गति करने के लिए हमको मालूम है अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है यानी कि mv स्क्वायर अपॉन R। तो यह अभिकेंद्र बल उसको कहाँ से मिलेगा, यह अभिकेंद्र बल कार को टायर और जमीन के मध्य घर्षण से प्राप्त होने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि यानी कि F बराबर म्यू एस R, जहां पर म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणा, इस बल से क्या होता है, इस कार को वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। R का मान यदि हम समीकरण एक से रख दें तो F बराबर हो जाएगा म्यू एस एम जी समीकरण दो। अब अभिकेंद्र बल कितना होता है, हमको मालूम है एम वी स्क्वायर अपॉन R, है ना। यह भी केंद्र बल किससे प्राप्त होता है, इसी घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यदि कार सुरक्षित वृत्ताकार मोड पर गति कर रहे, इसके लिए ये आवश्यक होता है कि एम वी स्क्वायर अपन R इस लेस देन छोटा है या बराबर है किसके, F के।
एफ का मान यदि हम रख दें म्यू एस एम जी, आर को पक्षांतर यदि हम कर दें म्यू एस आर जी। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब v छोटा है या बराबर है किसके, वर्गमूल म्यू एस आर जी के, तो v का मान अधिकतम कितना होगा, या तो इससे छोटा होगा या क्या होगा इसके बराबर, मतलब उसका अधिकतम मान कितना होगा, यानी कि v मैक्सिमम हमारा होगा वर्गमूल म्यू एस आर जी। ये है हमारा सूत्र वृत्तीय समतल सड़क पर कार की गति करने के लिए कितना वेग होना चाहिए, अधिकतम वेग वर्गमूल म्यू एस आर जी होना चाहिए। यदि इस वेग से अधिकतम वेग में कार गति करती है तो कार स्लिप हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, अतः अधिकतम वेग इतना ही होना चाहिए। इस समीकरण से हमको क्या चीज और पता चल रही है, ये पता चल रही है कि वेग किसके अनुक्रमानुपाती है, घर्षण गुणांक के, है ना, उसके वर्गमूल के है। तो यदि म्यू एस का मान कम हुआ तो v का भी मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो म्यू एस का मान कम कब होता है, जब बारिश में सड़कें गीली हो जाती तो घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर यदि सड़क पर रेत है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, घर्षण का मान कम होता है। तो घर्षण का मान कम होने से v मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, कम। इसका अर्थ ये है यदि बारिश में और रेत वाली जगह पे हमको अपनी गति जो है वो थोड़ी कम कर लेना चाहिए, यदि हम उस मोड़ को या मार्ग को बिना फिसले सुरक्षित पार करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हमने देखा वृत्तीय समतल सड़क पर कार की गति, करना चाहे, है ना, ये तो अधिकतम सीमा है, इससे ज्यादा वेग से करेंगे तो कार क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। यदि अधिक वेग से गति करना चाहे तो इससे और क्या पता चलता है, क्या बढ़ाना पड़ेगा, घर्षण गुणांक। और यदि घर्षण गुणांक बढ़ गया मतलब टायर और जमीन के मध्य क्या अधिक होगा, घर्षण अधिक होगा, घर्षण अधिक होगा तो टायर घिस जाएंगे, टायरों को क्षति पहुंचेगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम वृत्तीय मार्ग पर अधिक वेग से गति कर सके और टायरों को क्षति भी ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो सड़कें हैं, है ना, मोड़ पे जो सड़कें हैं वो बंकित बनाई जाती है, ढाल वाली सड़कें बनाई जाती है। अभी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ढाल वाली सड़कों में हम किस प्रकार और अधिक गति से बिना टायरों को क्षति पहुंचाए गति कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे समतल सड़क पर कार की गति, अब हम देखेंगे बंकित सड़क पर कार की गति। बंकित सड़क पर कार की गति, मान लीजिए ये क्षैतिज है और ये कोण थीटा है। क्या किया जाता है बंकित सड़क में, वृत्तीय मार्ग पर सड़कें इस प्रकार से बनाई जाती है कि उनका बाहरी किनारा थोड़ा उठा हुआ होता है और आंतरिक किनारा थोड़ा दबा हुआ होता है। इससे फायदा कैसा होता है अभी हम देखेंगे। मान लीजिए ये सड़क जो है थीटा कोण से झुकी हुई है, यहां पर एक कार है, ठीक, तो कार का भार कैसे कार्य करेगा, अभिलंबवत नीचे की ओर mg। मान लेते हैं कार का द्रव्यमान m है, वेग उसका v है और त्रिज्या है r। अब ये तो उसका भार कैसे कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे कार्य करेगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर, या फिर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए क्या कार्य करेगी, अभिलंब प्रतिक्रिया।
तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया के दो घटक मिलेंगे हमको। पहला चाहिए ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा, दूसरा क्षैतिज घटक r sin थीटा। ठीक, भार कैसे कार्य कर रहा है नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे कार्य कर रही ऊर्ध्वाधर से थीटा को बनाते हुए। अब वृत्ति मोड़ पर आपने देखा होगा, जैसे कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो वृत्ति मोड़ पे क्या होता है, हमारा जो भी वाहन है चाहे बाइक हो चाहे कार हो चाहे साइकिल हो, वो वृत्ति मोड़ से बाहर जाने का प्रयास करता है, केंद्र की ओर नहीं बाहर की ओर। तो उस पर जो बल लगता है घर्षण बल, वो किस ओर लगता है, केंद्र की ओर। तो इस पर लगने वाला बल किस ओर लगेगा, केंद्र की ओर। F, इसको भी हम दो घटकों में बांट सकते हैं, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा F cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा F sin थीटा। ठीक, तो एक और अभिकेंद्र बल किस ओर कार्य करेगा, हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r किस ओर कार्य करेगा, केंद्र की ओर। एक बार चित्र को फिर समझ लें, ये एक ढलान है जिसकी ढाल कितनी है, थीटा कोण है, और यहाँ पर एक कार है गति कर रही। ठीक, कार गति कर रही थी, इसका भार जो है, यदि इसका द्रव्यमान m है तो भार कितना हो जाएगा, m इंटू जी, m इंटू गुरुत्वीय त्वरण। वो कैसे कार्य करेगा, भार तो हमेशा लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, तो कैसे कार्य करेगा, लंबवत नीचे की ओर। अब हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कि हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती, प्रतिक्रिया होती है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे कार्य करेगी, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए या इस तल के लंबवत ऊपर की ओर। चूंकि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो r को हम दो घटकों में बांट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा ऊपर की ओर, क्षैतिज घटक r sin थीटा किस ओर, क्षैतिज में। ठीक, अब कार जो है वृत्ति मार्ग में बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है, तो लगने वाला घर्षण बल किस ओर लगेगा, अंदर की ओर। तो ये हो गया हमारा घर्षण बल, किस ओर लगेगा, अंदर की ओर। ये कितना कोण बना रहा है, क्षैतिज से थीटा, इसको भी हम दो घटकों में बांट सकते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में कार्य करेगा। अब एक और बल इसमें लग रहा है, कौन सा बल, एम वी स्क्वायर अपन आर, अभी केंद्र बल, जो कि जरूरी है किस लिए, वृत्ति गति के लिए। अभी केंद्र बल के अभाव में कोई भी पिंड वृत्ति गति नहीं कर सकता। तो ये किस ओर कार्य करेगी, इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो चित्र के बारे में हमने समझ लिया और हम जान रहे हैं कार का द्रव्यमान हमने क्या माना है, स्मॉल m, कार का वेग क्या है v और त्रिज्या कितनी है r। ठीक, तो r के कौन कौन से घटक है, पहला r cos थीटा, दूसरा r sin थीटा। r cos थीटा कैसे कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और r sin थीटा क्षैतिज, इसी प्रकार घर्षण बल F के दो घटक, पहला F sin थीटा और दूसरा F cos थीटा। F sin थीटा कैसे कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और F cos थीटा कैसे, किस दिशा में कार्य कर रहा है, क्षैतिज दिशा में। ठीक, ये तो हमने समझ लिया कौन कौन से बल किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए
इस रेखा में F साइन थीटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है, mg भार भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये किससे संतुलित हो रहा है, r cos थीटा से, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस F साइन थीटा। यदि हम mg F साइन थीटा को पक्षांतर कर दे, mg यही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा यही है और F साइन थीटा को हमने पक्षांतर किया है तो माइनस हो जाएगा F साइन थीटा। समीकरण एक, ये तो इसकी बात हो गई, ये दोनों नीचे की और ये ऊपर की ओर, तो ये इससे संतुलित हो रहा है, ठीक। और अभिकेंद्र बल कार को किससे मिल रहा है, r साइन थीटा प्लस F cos थीटा, ठीक। तो अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r बराबर हो जाएगा किसके, r साइन थीटा प्लस F cos थीटा के। समीकरण दो। और तीसरी चीज क्या है यहां पर, F बराबर हम क्या जानते हैं, म्यू R, या R को पक्षांतर कर दे तो म्यू बराबर कितने आ जाएगा, F अपॉन R। समीकरण तीन, ठीक है, ये समझ में आई ये चीजें, ये दोनों मिलके क्या प्रदान कर रहे हैं, अभिकेंद्र बल, इसलिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर ये हुआ, और ये आर कॉस थीटा इन दोनों से बैलेंस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आर कॉस थीटा बराबर ये, तो हमारा ये समीकरण आया। अब यदि हम समीकरण दो को समीकरण एक से भाग दे दे, चलिए देते हैं, चलिए भाग देते, भाग देने से क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल आर है, को भाग किससे दे रहे हैं हम, एम जी से, बराबर इधर कितना है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा। क्या किया हमने, समीकरण दो को किससे भाग दे दिया, समीकरण एक से। अब देखिए यहाँ पे mm तो कट जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन r g। अब राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में यदि अंश और हर में हम r cos थीटा से भाग दे दे r cos थीटा से भाग देने पर, चलिए भाग देने पर क्या होगा, r साइन थीटा को किससे भाग देना है, r cos थीटा से प्लस f cos थीटा को किससे भाग देना है हमको, r cos थीटा से बटे नीचे क्या है, r cos थीटा, इसको किससे भाग देना है, r cos थीटा से माइनस F साइन थीटा, किससे भाग देना है, R cos थीटा से। हमने अंश और हर में समान संख्या से भाग दिया है, इससे इस समीकरण में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, जब अंश और हर में हम समान संख्या से भाग दे या समान संख्या का गुणा करें तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। R R कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा,
ये कॉस का उसका दिया, यहाँ पे क्या बचा एफ अपन आर, और एफ अपन आर की वैल्यू हमने क्या निकाली, म्यू निकाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस म्यू। आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्या बचा वन माइनस एफ अपन आर की वैल्यू म्यू, साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा। ये हमारा समीकरण निकला, क्या निकला वी स्क्वायर अपन आर जी बराबर टेन थीटा प्लस म्यू, वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब म्यू क्या है, म्यू क्या है घर्षण गुना, यदि घर्षण न्यूनतम हो यानी कि म्यू का मान यदि क्या हो शून्य रख दे हम, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा म्यू बराबर शून्य रखने पर वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर टेन थीटा प्लस शून्य हो गया ये, और ये वन माइनस शून्य टेन थीटा गुणा करेंगे तो ये शून्य हो गया, ये वन माइनस जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा आर जी टेन थीटा। ठीक है, या v का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा समीकरण किसके लिए, बंकी सड़क में कार जब गति करती है तो उसके लिए v कितना होगा। इस समीकरण से हमको ये पता चलता है कि इसमें v का मान अधिक हो सकता है, समतल सड़क में से ज्यादा अधिक तेजी से हम इस सड़क में बंकी सड़क में कार को चला सकते हैं। दूसरा, घर्षण चूंकि कम होता है तो टायर घिसेंगे नहीं, तो घर ये भी हमको फायदा है। तीसरा, वाहन जो है इसमें फिसलते नहीं है, स्लिप नहीं होते। ठीक है, ये हमने क्या देखा कि बंकी सड़क में कार की गति कैसी होगी। हमने देखा कि बंकी सड़क में कार की गति के लिए क्या होगा वेग का। अब हम देखेंगे वृत्ति पथ पर यदि साइकिल सवार गति करता है तो उसकी गति कैसी होगी। हमको अध्ययन करना है वृत्ति पथ पर साइकिल सवार की गति जब वो गति करता है तो कैसे होगी। ठीक, मान लीजिए एक साइकिल सवार है जो किस पर गति कर रहा है वृत्ति पथ पर, तो उस पर लगने वाली ये है अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही है थीटा कोण बना रही है। ठीक है, अब चूंकि ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बन रहा है थीटा, तो इसको हम दो घटकों में बांट सकते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक होगा हमारा r cos थीटा और क्षैतिज घटक हो जाएगा हमारा r sin थीटा। ठीक है,
अब इसका भार, भार किस ओर कार्य करेगा? लंबवत नीचे की। ठीक, तो हम अध्ययन कर रहे हैं वृत्ति पथ पर साइकिल सवार की गति कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए एक साइकिल सवार है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक, और वह क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए, मतलब झुककर वो साइकिल चला रहा है ना, सीधे नहीं चला रहा है। वृत्ति पथ पर आपने देखा होगा अधिकतर जब हम वृत्ति गति करते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, चाहे साइकिल चलाए चाहे अपन बाइक चलाए। तो वो ऊर्ध्वाधर से कितना झुका हुआ है? थीटा कोण झुका हुआ है। उसका भार कैसे कार्य कर रहा है? लंबवत नीचे की ओर। और अभिलंब प्रतिक्रिया आर जो है ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही? थीटा कोण। तो उसको हम दो घटकों में बांट सकते हैं, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा क्षैतिज घटक, आर कॉस थीटा कैसा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस स्थिति में साइकिल सवार पर दो बल कार्य करेंगे, पहला भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए। तो उसका कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है ना। तो इसको दो घटकों में हम बांट सकते हैं, पहला आर साइन थीटा, दूसरा आर कॉस थीटा। ठीक, अब भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, आर ऊपर की ओर। तो क्या होगा? mg बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा ये जो क्षैतिज घटक है आर साइन थीटा, वो उसको क्या प्रदान करेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर किससे प्रदान होगा? उसको आर साइन थीटा से। ठीक, तो अब ये हमारा है समीकरण एक और ये वाला है समीकरण दो। यदि हम समीकरण दो को समीकरण एक से भाग दे दें, दो को किससे भाग देंगे? एक से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? आर आर कट जाएगा, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर बटे एम जी। आर आर कट गया, यहां पे कितना आया? टेन थीटा बराबर एम एम कट गया, कितना आया? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फाइनल हमारे लिए समीकरण निकला, किसके लिए? टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यदि कोई साइकिल सवार वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो उसके लिए समीकरण निकला। इस समीकरण से हमको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि सुरक्षित पार करने के लिए क्या होना चाहिए? थीटा कम होना चाहिए। और थीटा कम होगा कब? होगा जब वी कम होगा, यानी कि जब हम वृत्ति मार्ग पे गति करते हैं तो क्या कम होना चाहिए? हमारी गति कम होना चाहिए। सीधे जा रहे हैं तो स्पीड ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्ग वृत्ति आ जाता है हमको अपनी गति कम कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज और क्या पता चल रही है हमको? कि थीटा किसके व्युत्क्रमानुपाती है? आर, यानी कि त्रिज्या के। मतलब आर का मान अधिक होने से थीटा कम होगा, अर्थात जब हम वृत्ति गति करते हैं तो हमको बड़ी से बड़ी त्रिज्या लेते हुए वृत्ति पथ पर गति करना चाहिए ताकि हम उस पथ को सफलतापूर्वक पार कर सके, फिसले नहीं।
ये तो हमने क्या देखा, वृत्ति पथ पर साइकिल सवार जब गति करता है तो उसका कैसा होना चाहिए। अब एक छोटी सी एक परिभाषा आपको बता दूं मैं, अपकेंद्र बल। क्या होता है अपकेंद्र बल? ठीक, अपकेंद्र बल को हम छद्म बल भी कहते हैं। छद्म मतलब यह धोखे का, मतलब यह एक बल होता है जिसका हमको एहसास तो होता है पर यह वास्तव में बल नहीं होता है, आभासी होता है। मान लीजिए एक वृत्ताकार प्लेट है, वो घूम रही है कोणीय वेग ओमेगा से। इस प्लेट के केंद्र में से एक कील है जिसमें रस्सी बांध करके उसमें हमने एक पिंड को, यहाँ पे कोई पिंड है जिसको इसके कील पे रस्सी के द्वारा हमने लगाया है। ठीक, इस पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो अब इसका वेग कितना है, v। अब देखिए, चूंकि ये प्लेट घूम रही है तो इसमें जब पिंड है वो भी क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई प्रेक्षक बाहर से खड़ा है, तो क्या लगेगा उसको कि ये जो पिंड है वो भी इस प्लेट के साथ साथ कैसी गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है। लेकिन इस यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा है तो उसको लगेगा क्या, उसको तो लगेगा कि ये स्थिर अवस्था में है, वृत्ति गति नहीं कर रहा है। तो बाहर खड़े प्रेक्षक को क्या लगता है कि इस पर चूंकि वृत्ति गति कर रहा है तो क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगना चाहिए। किसको, बाहर खड़े प्रेक्षक को। लेकिन जब प्रेक्षक अंदर में खड़ा है तो उसको ये नहीं लगेगा कि वृत्ति गति कर रहा है। तो चूंकि केंद्र की ओर बल लग रहा है तो केंद्र से बाहर की ओर भी एक बल लगना चाहिए, अभिकेंद्र बल आर। यही बल है हमारा छद्म बल, जो वास्तव में होता तो नहीं है पर हमको ऐसा एहसास होता है कि वह है। इसी इसलिए आपने देखा होगा जब आप मेले में ड्रैगन झूला जो होता है उस पर झूलते हैं, या कार में जब कार मुड़ती है तो हम दीवार पे बाहर की ओर टकरा जाते हैं, है ना। हमको क्या लगता है कि हमको कोई बल लग रहा है जो उस केंद्र से दूर हमको बाहर की ओर फेंकने का प्रयास कर रहा है, पर वो वास्तव में नहीं होता। जब वृत्ति मोड़ पे क्या होता है, जड़त्व के कारण हमारा शरीर सीधा चलता रहता है, और कार जब मुड़ती है तो जड़त्व के कारण हमारा शरीर मुड़ तो नहीं पाता तो हमको बाहर की ओर धक्का लगता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि एक हम पर बल लग रहा है। तो यह होता है छद्म बल, जो कि वास्तव में होता नहीं है पर हमको लगता है, और इसलिए इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्र बल। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा वृत्ति सड़क पर, समतल सड़क पर कार की गति में वेग कितना होना चाहिए, और उस पे वेग अधिक नहीं हो सकता। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सड़क बंकित होती है, यानी कि वो कुछ कोण पर ढाल करके सड़क को बनाते हैं, और ढाल वाली सड़कों में हम कम घर्षण में अधिक वेग से गति कर सकते हैं। और हमने अभी अभी क्या देखा कि साइकिल सवार यदि गति कर रहा है वृत्ति गति, तो उसकी सुरक्षित पार करने के लिए क्या होना चाहिए, वृत्ति मार्ग में उसका वेग कम होना चाहिए और अधिक त्रिज्या के वृत्ति मार्ग में उसको गति करनी चाहिए। तो इस अध्याय वृत्ति गति पे हमने अभिकेंद्र बल, आवृत्ति, आवर्तकाल, त्वरण और वृत्ति गति के अलग अलग प्रकार, जब बंकी सड़क बनाना, ये सब इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, और इसके साथ ही हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और हमारी कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।